गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट क्लास में पार्ट दो मछली और मेंढक की रीडिंग की थी और उसके कठिन शब्द और शब्दार्थ किए थे। आज हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़नी है। पार्ट दो, अगेन लीव वन लाइन राइट हेयर। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मछली और क्या नाम था हमारे पार्ट का? मछली और मेंढक, ये नाम था ना हमारे पार्ट का। उसके बाद में आपको दो लाइनें छोड़नी है। बच्चों जितनी लाइनें मैं बताती हूँ आपको उतनी ही लाइनें छोड़नी है। पिछले जो आपका काम होकर आया था उसमें बच्चों ने लाइनें ढंग से नहीं छोड़ी हुई थी। जहाँ मैंने दो टू लाइन्स लीव की हैं बच्चों ने वहाँ पर वन लाइन लीव की हुई थी। मोस्टली बच्चों ने ऐसे ही किया होता। अगर टू लाइन मैम ने लीव की है तो यू हैव टू लीव टू लाइन्स। आपको भी टू लाइन्स ही लीव करनी है। फिर टू लाइन्स लीव करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर, हमें प्रश्न उत्तर पूरा नहीं लिखना है, हम ऐसे लिखेंगे प्रश्न उत्तर। अगेन लीव टू लाइन्स। फिर आप क्या लिखेंगे इधर? प्रश्न नंबर एक। पहला प्रश्न हमारा है, मछली कहाँ रहती थी? मछली कहाँ कहाँ, हमें आपको ह आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदी लगानी है। रहती थी, मछली कहाँ रहती थी? टू लाइन्स लीव। उत्तर नंबर एक, मछली तालाब में रहती थी। मछली तालाब में रहती थी। कहाँ रहती थी बच्चों? मछली मछली तालाब में रहती थी। अगेन लीव टू लाइन्स। प्रश्न नंबर दो, मेंढक को देखकर, मेंढक को देखकर मछली के मन में, मेंढक को देखकर मछली के मन में। अब आपको यहां वन लाइन लीव करनी है। क्या इच्छा जागी? प्रश्न है, मेंढक को देखकर मछली के मन में क्या इच्छा जागी? इच्छा क्या होती है बच्चों? चाहत, किसी चीज को पाने की हमारे मन में एक लालसा होती है, हमारी इच्छा। जैसे आपने कहीं गाड़ी देखी तो आपका मन करता है ना आपको गाड़ी मिल जाए, आपकी चाहत होती है कि आपको गाड़ी मिल जाए, आप उसे खेलो। इसी तरह मेंढक को देखकर मछली के मन में क्या इच्छा जागी? क्या इच्छा जागी थी बच्चों मछली के मन में, बताओ? मेंढक को देखकर मछली के मन में इच्छा जागी कि वह भी जमीन पर उछले कूदे। मेंढक को देखकर मछली के मन में इच्छा जागी की पे यहाँ छोटी मात्रा लाएंगे क्योंकि क्या है, की नहीं है, की वह भी जमीन पर उछले कूदे। मेंढक को देखकर मछली के मन में इच्छा जागी कि, इच्छा जागी कि वह भी जमीन पर उछले कूदे। यही इच्छा जागी थी ना मछली के मन में मेंढक को देखकर, कि
कि वह पूरे दिन पानी में रहती है, वह भी पानी से बाहर आके जमीन पर उछलने कूदने की इच्छा है तो जगी थी उसकी मेंढक, क्योंकि जमीन पर उछलता कूदता था और मछली पूरे दिन पानी में रहती थी। आपको प्रश्न नंबर 2 लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर प्रश्न को पूरा करना है, फिर 2 लाइन्स लीव करनी है, और फिर उत्तर में एक लाइन में उत्तर पूरा नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पर एक एक लाइन छोड़नी है बीच में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, लीव वन लाइन। प्रश्न नंबर 3, मेंढक की नकल करने पर मछली का क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ था बच्चों मेंढक की नकल करने पर मछली का? सोचो क्या हुआ था, जब मछली मेंढक की नकल कर पानी से बाहर आई थी तो क्या हुआ था उसके साथ जमीन पर आने के बाद? मेंढक की नकल करने पर मछली का क्या हुआ था बच्चों? मछली का क्या हुआ था कौन बताएगा? मछली का दम घुटने लगा, जब मछली मेंढक की नकल करके जमीन पर आई थी छलांग मारकर, तो क्या हुआ था जमीन पर आने के बाद? उसका दम घुटने लगा था, उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। तो मछली का यही हाल हुआ था बच्चों जमीन पर आने के बाद, जब उसने मेंढक की नकल की थी। चलो पार्ट 2 को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 2, मछली और मेंढक। प्रश्न उत्तर, प्रश्न नंबर 1, मछली कहाँ रहती थी? उत्तर नंबर 1 है, मछली तालाब में रहती थी। तालाब में पर आपको बिंदी लगानी है, तालाब में त आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, ब तालाब को, इसे तालाब नहीं लिखिएगा, तालाब, त के बाद आ की मात्रा जरूर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, मेंढक को देखकर मछली के मन में क्या इच्छा जागी? उत्तर नंबर 2, मेंढक को देखकर मछली के मन में इच्छा जागी कि वह भी जमीन पर उछले कूदे। प्रश्न नंबर 3, मेंढक की नकल करने पर मछली का क्या हाल हुआ? क्या हुआ था बच्चों जब मछली ने मेंढक की नकल की थी? मेंढक की नकल करने पर मछली का दम घुटने लगा। क्या हुआ था? मछली का दम घुटने लगा था, उसको सांस आने में कठिनाई हो रही थी। सबको समझ में आया? आपको अपने नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करना है और लाइंस बहुत ही केयरफुली लीव करनी है। अगर मैम ने 1 लाइन लीव की है तो आपको 1 लाइन लीव करनी है, और मैम ने 2 लाइन लीव की है तो आपको भी 2 लाइंस लीव करनी है। इस बार कोई बच्चा रॉन्ग वर्क नहीं करेगा, आपको लाइंस का और राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय।